हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्रद्धा। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऑयल वर्सेस प्राइमर मेकअप के लिए क्या सही है। कुछ लोगों ने मुझसे इंस्टाग्राम में पूछा, कुछ फ्रेंड्स ने भी पूछा एंड एक हमारी फ्रेंड ने कमेंट भी किया था कि मेकअप ऑयल या फिर प्राइमर दोनों में से क्या यूज़ करना है हमें मेकअप के लिए। बहुत लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है कि फेशियल ऑयल लगा लिया तो प्राइमर लगाना है या नहीं, या प्राइमर बस काफ़ी है फेशियल ऑयल लगाना है या नहीं। काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स लोगों को होते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो जो कन्फ्यूजन है वो मैं आपको इस दूर कर दूंगी इस वीडियो में। सो आई होप आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मैं इसी तरह से मेकअप एंड ब्यूटी से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है मेरे दूसरे चैनल की, जिसमें मैं स्किन केयर एंड हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ लाती हूँ। अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, एंड बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिएगा। What is facial oil? Facial oil जो होता है वो आपके स्किन को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है। मॉइस्चराइज़र, जो मैंने मॉइस्चराइज़र वर्सेस फेशियल ऑयल पे एक वीडियो बनाया है सेकेंड चैनल पे, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर इससे पहले अपलोड हो गया तो। फेशियल ऑयल जो होता है आपके फेस को, स्किन को मॉइस्चराइजेशन देता है, नमी देता है एंड साथ ही साथ थोड़ी थोड़ी ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड करता है। फेशियल ऑयल इज़ अ मॉइस्चराइज़र, आप इस लैंग्वेज में बोल सकते हैं। मेकअप के लिए वो सिर्फ एक मॉइस्चराइज़र का काम करेगा, आपके मेकअप को इजीली ब्लेंड होने के लिए वो थोड़ा सा ऑयल जो है अगर आप अपने मेकअप में मिला देते हैं। कुछ मेकअप होते हैं ना, जस्ट लाइक थोड़े ड्राई हो गए हैं या फिर स्टिक वाले हैं या केक वाले हैं, आप उसमें थोड़ा सा ऑयल मिला देंगे तो आपका मेकअप ईजीली आपकी स्किन पर ब्लेंड हो जाता है। ऑयल का सिर्फ इतना ही काम है, वो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग नहीं बनाता है, आपके मेकअप को स्मूथ फिनिश देता तो ज़रूर है लेकिन आपकी स्किन के बीच में बैरियर नहीं लाता। ये काम करता है प्राइमर। अगर आप प्राइमर लगाते हैं फेस पे तो वो आपकी स्किन एंड आपके मेकअप के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, जिससे मेकअप के जो हार्श केमिकल्स हैं वो आपके पोर्स में ना जाए, आपके पोर्स में बैठे नहीं, क्योंकि प्राइमर जो होता है आपके पोर्स को बंद कर देता है और उसके ऊपर आप जो भी चीज़ें लगाएंगे वो ऊपर ही रहेगी, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होगी। प्राइमर इसलिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप फेशियल ऑयल लगाओ चाहे मत लगाओ, आपको प्राइमर ज़रूर लगाना है ताकि मेकअप से आपका चेहरा ख़राब ना हो और प्राइमर की वजह से आपकी स्किन में जो खुरदुरापन होता है ना वो बिल्कुल स्मूथ हो जाता है। तो आपका फाउंडेशन है, चाहे आपने लो कवरेज लिया हो या हाई कवरेज लिया हो, अगर आप फाउंडेशन ब्लेंड कर रहे हैं तो वो बिल्कुल फिनिश जो होती है, कुछ मेकअप आर्टिस्ट, कुछ मेकअप हीरोइंस का आपने देखा होगा कितना स्मूथ फिनिश दिखता है, स्किन लाइक फिनिश, ऐसा लगता है जैसे उनका मेकअप नहीं है, बिल्कुल नेचुरल स्किन है, कुछ लगाया नहीं है फेस पे, नेचुरल ग्लो है। ये फिनिश आपको मिलता है अगर आप मेकअप प्राइमर लगाते हैं तो, यानी कि मेकअप प्राइमर आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बनाता है, मेकअप को आपके स्किन के अंदर जाने से रोकता है एंड आपके स्किन को मेकअप के लिए प्रिपेयर करता है। ये तीन क्वालिटीज़ हैं मेकअप प्राइमर की। एंड फेशियल ऑयल आपके स्किन को मॉइस्चराइज़र की तरह वर्क करता है। ड्राई स्किन वाले हैं तो आप उसे अपने फाउंडेशन में मिक्स करके लगा सकते हैं, इससे आपका फाउंडेशन थोड़ा सा ड्यूई फिनिश हो जाता है एंड फाउंडेशन की क्वालिटी की वजह से जो ब्लेंड नहीं हो रहा, सिर्फ फाउंडेशन की क्वालिटी की वजह से, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्किन, फाउंडेशन की क्वालिटी की वजह से अगर आपका फाउंडेशन ब्लेंड नहीं हो रहा है वो भी ऑयल मिक्स करने से ब्लेंड होने लगता है, लेकिन सिर्फ एक या दो ड्रॉप ही आपको मिलाना है फाउंडेशन अपने लेने के। नाउ दोनों यूज़ कर सकते हैं या कोई एक यूज़ करना है? सी, फेशियल ऑयल एक ट्रीटमेंट प्रोडक्ट है, आपके स्किन में एक्ने है, ड्राइनेस है, ढेर सारे प्रॉब्लम्स हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स के लिए अलग अलग फेशियल ऑयल्स आते हैं, मॉइस्चराइजिंग आते हैं, ट्रीटिंग आते हैं, एक्ने ट्रीटमेंट के लिए आते हैं,
अंडर आई ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। सो डिफरेंट काइंड ऑफ फेशियल ऑयल्स अवेलेबल है मार्केट में, वो सिर्फ आपको मॉइस्चराइजेशन देंगे, प्राइमर का काम नहीं करेंगे। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप फेशियल ऑयल यूज़ कर रहे हैं तो आपको प्राइमर भी यूज़ करना ही है। प्राइमर आप ऐसा मान के चलिए कि प्राइमर जो है मेकअप का एक अनकट पार्ट है। चाहे आप फेस पे कुछ भी लगाओ, चाहे आप फेस पे मॉइस्चराइज़र लगाओ, लोशन लगाओ, क्रीम लगाओ, ऑयल लगाओ, या फिर जेल लगाओ, एलोवेरा जेल लगाओ, कुछ भी आपने फेस पे लगाया है, अगर आपने प्राइमर नहीं लगाया है तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा, मेकअप ब्लेंडिंग अच्छे से नहीं होगी। इसलिए प्राइमर को आप किसी और प्रोडक्ट से कंपेयर मत कीजिए, प्राइमर की जगह कोई नहीं ले सकता। हाँ, अगर आपने मॉइस्चराइज़र लगाया है तो आपको ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऑयल लगाया है तो मॉइस्चराइज़र या लोशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ मतलब आपकी स्किन को स्किन केयर प्रोडक्ट है वो, फेशियल ऑयल जो है वो स्किन केयर प्रोडक्ट है, एंड प्राइमर जो है वो स्किन केयर एंड मेकअप के बीच का प्रोडक्ट है, वो आप किसी और से कंपेयर मत ही कीजिए। सो आपको दोनों यूज़ करने हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप दोनों यूज़ कीजिए। आपके ऊपर है कि आप फेशियल ऑयल यूज़ करना चाहते हैं या नॉर्मल फेस लोशन या नॉर्मल फेस मॉइस्चराइज़र। मेकअप के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, बट प्राइमर ज़रूरी है, दोनों में कोई कंपैरिजन नहीं है। नाउ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, कुछ प्रोडक्ट्स आते हैं जिनमें लिखा होता है प्राइमिंग ऑयल। आपने देखा होगा PSE का मेकअप प्राइमिंग ऑयल आता है, तो वो भी एक मेकअप प्राइमर है बट ऑयल के फॉर्म में है, तो वो आप ड्राई स्किन वाले यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने प्राइमिंग ऑयल लगाया है तो ऐसा नहीं है कि आपको लोशन नहीं लगाना है या मॉइस्चराइज़र नहीं लगाना। अगेन, प्राइमिंग ऑयल इज़ अ प्राइमर एंड फेशियल ऑयल इज़ अ मॉइस्चराइज़र। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है कि मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ। प्राइमर, प्राइमिंग ऑयल, प्राइमिंग लोशन, जिसमें भी आपको ये प्राइमर वाला वर्ड सुनाई दे वो प्राइमर है। फेशियल ऑयल, फेस लोशन, फेस मॉइस्चराइज़र, फेस क्रीम, फेस बटर, फेस सीरम, सीरम शीट मास्क, दे आर स्किन केयर वाली प्रोडक्ट्स। ओके, सो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। प्राइमर आपको लगाना ही है अगर आप मेकअप कर रहे हैं तो। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, मैं एक्सप्लेन करने में कामयाब हुई होंगी आप लोगों को। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।